स्वागत है आप सभी का नए एपिसोड में। मैं हूँ लोकुश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लोकुश यादव ब्लॉग्स। तो जो भी बच्चे फाइनल वर्ष के हैं, उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के जो भी बच्चे हैं, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, RMLU के जितने भी छात्र हैं फाइनल वर्ष के, उनके लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा द्वारा निर्देश जो जारी हुआ है सभी विश्वविद्यालय के लिए, टीम गठन के हिसाब से जो रिपोर्ट बनी है उसके हिसाब से ये कहा गया है कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा और अन्य फाइनल वर्ष के एंड फाइनल सेमेस्टर के सभी बच्चों के एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। आप इस चीज़ को एक बार फिर गौर से सुन लीजिए कि फाइनल वर्ष के बच्चे और फाइनल सेमेस्टर के बच्चों के सभी विश्वविद्यालय के सभी एग्ज़ाम पुरानी तकनीक से कराए जाएंगे, पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। इस बात को फिर से गौर सुन लीजिए कि किसी भी पेपर में ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन जो हैं वो कम किए जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे 5-10 क्वेश्चन आते थे वहाँ पे 3 क्वेश्चन आएंगे और आपका टाइम जहाँ 3 घंटे का होता था वहाँ आपको 1.5-2 घंटे का एग्ज़ाम जो है वो देना होगा। कम क्वेश्चन, कम टाइम में आपको फाइनल वर्ष और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं देनी है, चाहे वो अवध विश्वविद्यालय के हों, चाहे किसी अन्य विश्वविद्यालय के बच्चे हों, और चाहे जिस कोर्स में हो, चाहे BA फाइनल में हो, चाहे BSc फाइनल हो, चाहे BCom फाइनल हो, सभी फाइनल वर्ष के बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो 15 अगस्त से संभावित कर दिया गया है। कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने बताया कि 15 अगस्त से एग्ज़ाम्स करा के अगस्त लास्ट 31 अगस्त तक हर हाल में सभी एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंप्लीट करा लिए जाएँ। तो उम्मीद यही है कि अब विश्वविद्यालय बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी करेगा कि कब से आपकी स्कीम है, क्या किस दिन पेपर होना है, सेंटर कहाँ जाएगा, सेंटर जाएगा अभी कि नहीं आएगा, ये बड़ा सवाल है। तो आप सही सटीक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, जहाँ पे आपको सिर्फ सही 100% सही न्यूज़ ही मिलेगी। तो जैसा आपको लगता है, अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूरतमंद तक शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप जहाँ भी हैं सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।